देखिए सर, ये शुगर कैन कोरियन मॉडल है, ग्रीन कोरियन मॉडल। ठीक है, इसका सीरियल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सीरियल नंबर है 461। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये क्रशर मशीन है। ठीक है, ये मैं आपको चालू करके बता देता हूँ। इसमें तीन रोलर आते हैं डायमंड वाले। देखिए देखिए, ये ऑन ऑफ की स्विच है, इसको मैं ऑन करूँगा, ऑन हो जाती है। ठीक है, इसमें वोल्टेज भी शो कर रहा है, वोल्टेज बता रहा है 234। ठीक है, ये फॉरवर्ड की स्विच है। देखिए, फॉरवर्ड का आप इंडिकेटर चल रहा है और तीनों रोलर घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करके रिवर्स करूँगा। देखिए, रिवर्स में भी तीनों रोलर घूम रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्रशर मशीन चेक हो चुकी है। ठीक है, इसको यहाँ से बंद कर सकते हो, क्रशर मशीन आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोला था। ठीक है, इसकी इसकी कैप है। ठीक है, आप इसको यूज़ करने के बाद इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, यूज़ करने के बाद आप इस तरह से लगा सकते हो। आइए, मैं आपको जूस निकाल के बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो सर, पैनल है, इसमें ये कंप्रेसर की स्विच है, ये सब जीरो है। ठीक है, ये कंप्रेसर का इंडिकेटर है, ये पंप का स्विच है। ठीक है, मैं आपको पंप चालू करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं पंप की स्विच चालू करता हूँ। ये पंप की स्विच चालू हो गई है और ये देखिए पंप घूम रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा, बंद हो जाएगा, पंप भी बंद हो गया। ठीक है, ये आपकी पंप की स्विच मैंने चेक करा दिए। अब मैं जूस निकाल के बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ से ये जो नीचे वाला है उसकी स्विच है, मैं आपको जूस निकाल के बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगा, देखिए जूस निकल रहा है, ML मेजरमेंट चल रहा है और ये जो काउंट हुआ है ये देखिए 4 था, अब 5 हो चुका है, देख सकते हो आप। देख सकते हो सर, इसकी कूलिंग देख सकते हो आप, कितनी ज़बरदस्त कूलिंग हुई है, देख सकते हो आप। देखिए सर, दोनों काउंटिंग में 0-0 कर दिए हैं मैंने अभी। ठीक है, आपको बताने के लिए अब मैं आपको जूस निकाल के बताऊंगा। देखिए, मैं ये पहले स्विच दबा रहा हूँ। ठीक है, आपको जूस निकाल के बताएंगे। देखिए देखिए, जूस निकल रहा है, देख सकते हो आप, ML मेजरमेंट भी चल रहा है और ये काउंट हो जाएगा जूस निकलने के बाद। वो देखिए, काउंट हो गया, एक काउंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं दूसरे में निकाल के बताऊंगा आपको। इसमें अभी 0-0 है। ठीक है, अभी एक काउंट हो जाएगा इसमें। देखिए, यहाँ पे 0-0 है, एक में काउंट हो गया फर्स्ट में, दूसरे में अभी 0-0 है। तो देखिए, 0 की मैं स्विच दबा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जूस निकल रहा है, ML मेजरमेंट चल रहा है। देखिए, वहाँ पर जूस निकल रहा है, ML मेजरमेंट चल रहा है। और देखिए, यहाँ पे काउंट हो जाएगा, एक काउंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये मशीन काम करेगी। ठीक है, ये आपकी मशीन चेक हो चुकी है कम्प्लीटली। मैं आपको उसकी कूलिंग बता देता हूँ। देखिए, कितनी ज़बरदस्त कूलिंग आई है, बहुत ही ठंडा पानी हो चुका है इसमें। ये देखिए, ये सब ये इसकी कूलिंग है, कूलिंग ज़बरदस्त कूलिंग आई है, देख सकते हो आप इस तरह से। आपकी मशीन चेक हो चुकी है कम्प्लीटली। यहाँ पे ये लॉक लगते हैं, दोनों साइड लॉक लगाने के हैं, इधर भी लॉक लगेगा। ठीक है, ये आपकी कैश काउंटर में भी लॉक लगेगा। देखिए सर, आपकी मशीन चेक हो चुकी है। ठीक है, ये कैश काउंटर है आपका, इसमें भी लॉक लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, नीचे है स्टोरेज, इसमें भी आपका लॉक लगा हुआ है, इधर भी लॉक लगा हुआ है और इधर साइड में भी लॉक लगा हुआ है। और ये है आपका डस्टबिन। ठीक है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको लॉक मार सकते हो। देखिए, लॉक लग गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है। आपकी मशीन चेक हो चुकी है। इसका सीरियल नंबर फिर से मैं बता देता हूँ, इसका सीरियल नंबर है 461। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐसे सोडा मशीन। थैंक यू।